बदकिस्मत ही होगा, बुद्धू फिर की करेगा बहुत बेटे का दूध। यहाँ लगा देता हूँ, मेरा माइक तो है ही इसमें। अरे वो तो है ही, हम तेरा भाई है तो बना ही नहीं है। पिताश्री कैसा लगा ये रास्ता, ये बताओ। नजारे तो एक नंबर है भाई। पिताश्री का कमरा और माताश्री का कमरा सोए नहीं, कपड़े बदल रहा था, कीटाणु तो घुस आया। यार पर तुम लोग बोलोगे ये क्यों कर रहा है जिमी, यार अब दोस्तों मैं क्या बोलूं, यहाँ मुझे टोले टोले तो मिला नहीं, अब मुझे यहाँ पहाड़ से नीचे ही फेंकना पड़ रहा है अपना माल पानी, अब मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है दोस्तों। पर अब जब किस्मत ही होगा बुद्धू फिर की करेगा बहुत बेटे का दूध। और स्वागत है, जैसे कि मैंने आप लोगों का स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तुम्हारा प्यारा जिमी आ चुका है तुम्हारे लिए, वो भी सीधा हिमाचल प्रदेश से लाइव। ओ नो क्या प्यारी वादियां हो रही है, और मूत्र विसर्जन तो मेरा चल ही रहा है, जिसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। अब मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत सी चीजें कल हुई है और आगे भी बहुत सी चीजें होने वाली है, और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा आगे। लेकिन 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा प्रोग्राम हो गया, अब मैं आपसे करता हूँ अच्छी तरह बात। हाँ जी दोस्तों, तो देखो अब बात कुछ ऐसी है, जैसे कि आपने कल देखा था कि हम पहाड़ वालों रास्ते से कैसे ना कैसे क्रॉस करके, मतलब जहाँ पे बर्फ थी वो रास्ता क्रॉस करके हम आ चुके हैं इस साइड। यहाँ पे बर्फ तो नहीं है पर ठंड का माहौल तो है ही, पर हाँ उतनी भी ठंड नहीं है जितनी वहाँ बर्फ वाले इलाके में थी। पर कल से गाइस हम यहाँ पे ही फंसे हुए हैं। मेन रीजन क्या है, कल यहाँ पे हो चुका था एक्सीडेंट, ट्रक और फॉर्च्यूनर का हो गया था, और ब्रेजा भी उस चीज में फंसी गई। अब फॉर्च्यूनर और जो साथ ही साथ ट्रक वाले थे ना, वो तो ऐसा सीन हुआ गाइस कि वो चले गए, बिल्कुल सही सुन रहा। वहाँ ब्रेजा वाले अंकल भी चले गए दोस्तों, वो सब आपने कल की वीडियो में देख लिया होगा। और पिताश्री ना अभी बात करके आए, इनसे पूछो तो सही पिताश्री को क्या बोला इन्होंने क्या नहीं। लेट्स गो, सुबह सारे सारे उठ चुके हैं गाइस, मैं आपको बता दूं। पिताश्री क्या कहा फिर, दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा जिमी यार, यहाँ से तो अब वो ट्रक हटा ही नहीं, क्या करे यार अब। हाँ बताओ यार पिताश्री, दूसरा रास्ता लेना होता तो हम कल ही निकल जाते, एक तो वो रास्ता बहुत खराब, दूसरी चीज उसका सीन ये है बहुत ही आड़ा टेढ़ा रास्ता है और बहुत ही पतले रोड है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी पतले रोड है वहाँ के यार। अब जैसे भी हो क्या कर सकते हैं, काम करता हूँ मैं दोबारा जाता हूँ, पूछता हूँ इनसे कि कुछ हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो निकलते हैं भाई हम दूसरे रोड से, लेट हो जाएंगे कम से कम, क्या करें, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चला लेंगे और कुछ और ऑप्शन है। हाँ जाओ एक बार देखो यार चाय चूहे पी के। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, हम ना गाड़ी में ही सो गए थे, माता जी और जो ट्रेसी है ना वो ऊपर टेंट में सो गई, पिताश्री और मैं गाड़ी में सो गए। और ये अपना एक हमने ये लिया था ताकि हाँ भाई कुछ आग उग लगाए तसल्ली से लग जाए। और ये रहा पैन यार, यहाँ पे हम ऐसे आग नहीं लगा सकते ना, मेन सीन ये यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत है, पेड़ बहुत है, तो पेड़ आग ना पकड़ ले यार, फिर आपको पता ना दिक्कतें हो जाती है, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया ऐसा प्रोग्राम नहीं करेंगे हम। और गाड़ी अच्छी तरह लगा दी है, वैसे थोड़ी सी पिताश्री ने दिक्कत कर दी थी, यहीं से गाड़ी नीचे ले ली थी जिसकी वजह से हमारी डिफेंडर आड़ी टेढ़ी जरूर हो गई थी दोस्तों, पर पिताश्री ने संभाल लिया। हालांकि फुद्दू ड्राइवर है पिताश्री। क्या कह रहा है फुद्दू पिता? अरे मैंने कहा फुद्दू नहीं, मैंने कहा मैं फुद्दू, मेरा पिताश्री प्रो। हाँ ये तो बात सच है, देखो कितने खुश हो गए इतनी सी बात पे। अरे क्यों दिक्कत ले रहा हूँ, एक बार देख के आता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है जिमी, ये जो है ना, ये जो अपन का एक पैन है और ये जो नीचे हमने लगा रखा आग का, इसको अच्छी तरह गाड़ी में रख दियो। और भाई मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ ना अलग ही माहौल है यार, जिमी ने आपको दिखाया ना जैसे कि आग नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ऐसे लगाया कि भाई कोई पेड़ पुड़ आग ना पकड़ ले। अब फंस चुके हैं हम यहाँ पे, ये सब आपने कल की वीडियो में देखा ही है, और वही कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं। माहौल ठीक है, मौसम अच्छा है, मस्त हम स्टे कर रहे हैं, पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, अब इन ट्रक वालों ने अपने ट्रक चालू ही रखे हैं? हाँ यार, क्योंकि बीच बीच में ना चालू करने पड़ते हैं, मेन रीज़न ये है गाइस चालू करने के कि बंद ना हो जाए। बिल्कुल सही, बंद हो गया ना इंजन ठंडा पड़ गया, क्योंकि डीजल है, डीजल फिर स्टार्ट होने में ना गाइस दिक्कत दे जाते हैं इसीलिए। और जैसे कि आपको पता, ये ट्रक वाला भाग गया था फॉर्च्यूनर पर टक्कर मार के, अब क्योंकि इसे भी डर लग रहा था, अब इसको कुछ हुआ नहीं था वैसे, फॉर्च्यूनर वाला भी क्या ही कहता उसे, पर ये भाग गया। और इस ट्रक में सीन ऐसा होता है, एक सीक्रेट बटन होता है, वो बटन उसी को ही पता है भाई जिसका ट्रक है, कहाँ पे वो बटन लगाया कहाँ नहीं, उसके बिना ट्रक हिलेगा ही नहीं, स्टार्ट जरूर हो जाएगा हिलेगा ही नहीं। मैं आपको दिखाऊं दोबारा स्टार्ट कर दे, चाबी इसी में लगी हुई है, ये देखो स्टार्ट मैं कर दूंगा पर ये हिलेगा ही नहीं, ये देखना, ये स्टार्ट करता हूँ मैं, ये ट्रक स्टार्ट हो गया, देखो कुछ नहीं, पंजा दबा रहा हूँ, बिल्कुल दबा रहा हूँ, पूरी स्पीड दे रहा हूँ, पर ये ट्रक हिलेगा ही नहीं, इसीलिए गाइस हम कल से यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरा रास्ता है, उसके बारे में जिमी ने बताया क्या सीन है क्या नहीं, और इतनी सी जगह से हमारी डिफेंडर तो नहीं निकलने वाली, और हमने ट्राई भी करा। अब भाई देखो,
ऐसा भी नहीं है मैं बिल्कुल चिपका के निकाल लूँ, मैंने वो भी करा वैसे तो, एक टायर हमारा नीचे हो गया था प्रॉपर, और जो नेक्सोन वाला था उसको तो हमने निकलवा दिया, हम फंस चुके हैं भाई। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रक हुआ करता था, यहाँ से एक और ट्रक आ गया, अब करें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन ट्रक वालों को तो समझ नहीं आ रहा है भाई। हाँ मैं एक बार इससे पूछता हूँ, इस ट्रक वाले से, क्या पता इसके पास कुछ हो भाई, ये भी कल से फंसे पड़े हैं यार, ये भी क्या ही करेंगे। कहाँ गया ये ट्रक वाला, कहाँ गया, इसमें बैठा हुआ था आई ला, गोली हो गया भाई मेरे ख्याल से ये तो। इसका वेट करता हूँ गाइस, ये आए तो मैं इससे बात करूँ। देखो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ट्रक वाले ना आपने देखा वहाँ खड़ा था, ये ट्रक लेके यहाँ पे आ गया बाद में, मैं इसके साथ ही बैठ के आया हूँ। इसने कहा भाई मैं तो दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, कल के फंसे, कोई दिक्कत कुछ नहीं होने वाला। अब इसके बाद इसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, यहाँ पे ना एक मिनी टो ट्रक, बिल्कुल गाइस यहाँ टो ट्रक पड़ा हुआ है, एक जो ठुका पड़ा जिसका एक्सीडेंट वगैरह, अरे देवा रे देवा पहाड़ से गिर गया रे। तो इसने बोला कि यहाँ भी पड़ा है और इसमें चाबी चूबी भी लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ले जाके देखते हैं, अगर क्या पता कुछ ना कुछ तो हो जाए, अपन कैसे ना कैसे तो कुछ कर पाएं भाई। और वो ट्रक वाला तो निकल रहा था, मैंने कहा एक बार इससे ट्राई कर लेता हूँ, मैं नहीं हुआ तो फिर तुम निकल लेना भाई, नहीं तो इसका बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा वैसे, और हमारा भी हो जाएगा भाई। अगर वो ट्रक हल्का हल्का सा भी साइड कर दो ना, हमारी गाड़ी इसी से निकल जाएगी, तो ट्राई करते हैं भाई इस ट्रक के साथ। और इसका ना एक्सीडेंट होगा बहुत भयंकर, आप देखो ना आगे का फेंडर गया भाई, और ये नीचे पट्ट करके पड़ा हुआ, अभी इतना सा टो ट्रक खींच पाएगा नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, पर ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है, तो हम वो ही करने वाले हैं। तो चलो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट भी होगा या नहीं, ठीक है, ओके स्टार्ट ही हो गया। और इस चीज़ के बारे में मुझे उस ट्रक वाले ने ही बताया जो कि उल्टा जा रहा था, आपने देखा था। ओ भाई स्टार्ट तो हो गया, मेरे को लग रहा है जिसका ये ट्रक था ना उसे चोटें लग गई थी गाइस, इसी से उसे फूट गया ना, इसलिए ट्रक यहाँ से निकाला नहीं उन्होंने। बाकी देख सकते हो ये मूड रिवर्स भी सही हो रहा है, काश कि उस ट्रक को ना हिला दे भाई, फिर अपनी हेल्प हो जाएगी गाइस, लेट्स गो। ओ भाई चल भी सही रहा है ये तो, बस थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, और अंदाजे से आप देख सकते हो ये जो इसका बोनट है ना वो उठ चुका, जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत है, तो वैसे तो इसे चलाना रिस्की है भाई साहब, मैं उसे बोलता हूँ। अरे निकल तो गया, मैं ट्राई करता हूँ, खुल गया रास्ता तो मैं आपको बताता हूँ, आप आगे से ले जाना, इस ट्रक वाले को भी निकाल दे, क्योंकि ये कह रहा भाई इसे घर भी जाना है, इसका इसको पहुँचना था घर पर, इसके घर पर है एक फेस्टिवल, अब ये फेस्टिवल में पहुँच नहीं पा रहा इस ट्रक की वजह से, ये लोकल का यहाँ फंसा बंदा, इससे अच्छा दूसरे रास्ते से निकल जाता ना तो भी पहुँच जाता। अब क्या करे, अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, देखो ऑप्शन दो ही हैं, अगर मैं इसको जो ये मेरा ये टो ट्रक है इसको मैं उससे ट्रक को आगे से खींचूँ ना, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इतनी जगह आगे से खींचूँगा ना तो मैं टायर मोड़ नहीं पाऊँगा, मैं सीधा सीधा कहाँ ही ले जाऊँगा उसे, तो इसलिए मैं इसे पीछे खींचूँगा ताकि थोड़ा दबा के हो जाए ना, वो गाड़ी वाला अपना गाड़ी लेने आया भाई, देख रहे हो क्या सीन है क्या नहीं, यहाँ ऐसे ही हो जाता है। देखो मैंने अब देखो ये जो टो ट्रक है इसके साथ अटैच कर दिया है, ओके देखो तो सही। ओ भाई ये तो वेट भी नहीं लिफ्ट कर पा रहा, ये देखो मैंने हटा दिया, बिल्कुल नीचे है, अब मैं दोबारा पीछे करूँगा, अब देखते हैं अटैच का। ओके नहीं भाई ये अटैच ही ना हो रहा अब तो, ओके लेट्स गो, हो गया क्या अटैच, हो गया अटैच हो गया। ओ भाई वो खींच रहा है खींच रहा है भाई, इसमें इतना दम है इस पिद्दे से मैं टो ट्रक में, बन गया भाई अपना रास्ता तो बन गया गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ तो, वो बन गया। इसको साइड, इसको साइड में कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा देता हूँ, दोनों जगह से गाड़ियाँ निकल ही जाएगी गाइस। अब एक सेकंड, अगर देखता हूँ ट्राई करता हूँ और दबा पाऊँ, अपना तो हो गया भाई, अब हम इसी रास्ते से निकलेंगे भाई, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो भाई बहुत गंदा रास्ता था जैसे कि जिमी ने भी बताया वो वाला। अब इस साइड गैप है क्या, पूरा गैप है, मैं इस साइड दबा दूँगा इसे, इस वाली गाड़ी को भी पीछे कर दें, नहीं यार इसे पीछे करके क्या ही करूँगा मैं, है नहीं, ओहो एक काम करते हैं इस वाली को आगे लेते हैं ताकि मुझे हल्का सा वो मिल जाए गैप सा और मैं फिर उसे दबा पाऊँ, लेट्स गो इस वाली। ओए तेरी भैंस की, सॉरी भाई सॉरी, अरे भाई ले ट्रक वाले को ठोक दी दोस्तों मैंने तो, ये तो मैंने अलग ही कांड कर दिया, देवा रे देवा मैं क्या करूँ इसमें, एकदम से एक पावर इतनी आ गई है भाई, मेरी थोड़ी गलती है दोस्तों, इसलिए ट्रक वाला भी निकल ही जाएगा वैसे अब तो, नहीं ये नहीं निकल जाएगा अब तो, निकल जाएगा वैसे तो, चलो कोई नहीं अब ये काम कर देते हैं, लेट्स गो। अब हल्का सही वाला ट्रक मैं आगे करने वाला हूँ, इसका मेन रीज़न आपको मैं बता दूँ ताकि थोड़ा सा भाई जो गैप वाला सीन है ना ये ख़त्म हो जाए। देखो 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 देख रहे हो कहाँ ले आया मैं, ओ ये अरे चढ़ जा भाई, बस ये लो भाई हो गया ना अपना दोनों चीज़ें, और तेरी हो गया भाई हो गया, ये लो ये फंस गया पर गाइस, ओ देवरे देवा, ओके चलो भाई। अब ये ट्रक आपको पता है ये पिकअप जो है ये ऑलरेडी डैमेज है तो इसका मैं फ़ायदा तो उठा लूँ, लेट्स गो। रास्ता देख रहे हो गाइस कैसे मैं बना रहा हूँ अब ऐसी बना, देवरे देवा ये लो।
अब इनको थोड़ा दबाने के लिए मेरे को इनको ठोकना ही पड़ेगा भाई। अब जब यू फेंक के ही चले गए हैं तो इनको अपनी गाड़ियों की कदर ही नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रास्ता ही बना लिया। ये देखो दोनों चीज़ों को मैंने दबा दिया बिल्कुल कोने में, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही दबाऊंगा। हाँ ये ट्रक जरूर दब सकता है पर इसे तो क्या ही दबाना, पर अब छोड़ देते हैं भाई, अब अपना रास्ता बन गया ना और क्या ही चाहिए, क्यों बेफालतू में चुल करनी। अब इस पिकअप ट्रक को मैं वहीं ड्रॉप कराता हूँ क्योंकि जिसका ये ट्रक है वो तो इतना कर ले कि भाई अब उसका ट्रक बाद में उठाने आ जाए जिसका ये पिकअप ट्रक है छोटा सा, इसलिए इसको यहीं फेंक देते हैं। ये आई देवरे लो भाई, यहीं ड्रॉप कर दिया मैंने, इंजन उंजन बंद और इसमें तेल भी बिल्कुल ख़त्म था, पर फाइनली अपना रास्ता बन चुका है भाई। अब मैं इस ट्रक वाले को बोलता हूँ कि निकाल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 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 चल चल, अरे अरे चढ़ ही नहीं पा रहा मैं तो। ये देखो भाई कैसी चढ़ाई है, देख रहे हो दोस्तों, यार बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे यहाँ का भाई सीन। अपन तो लॉस सैंटोस में दुखी हो जाए और ये तो यहीं ले जा भाई, ले जा ट्राला ले जा अपना, हेलो लेके चल लेके चल लेके चल आगे लेके चल आगे लेके चल। तो गाइस अब ये ट्रक निकलेगा, उसके बाद वो आगे वाले ट्रक लेके चलेंगे। चल भाई चल 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 लेके चल लेके चल। तो गाइस आप देख सकते हो ये ट्रक वाले ने अपना ट्रक निकाल लिया, नहीं तो इसे बहुत लंबा सफर करना पड़ता, पर कैसे ना कैसे आपने देखा मैंने करवा दिया। निकाल ले निकाल ले निकाल ले, देख रहे हो भाई मैंने थोड़ा सा वो गैप कम कर दिया, पर आगे गाड़ी खड़ी कर देना, पर निकल जाएगा इतने से बिल्कुल एज से निकल रहा है ये ट्रक अभी भी। गाइस निकल जाएगा, निकाल निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओ कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। निकल तेरी भैंस की टैट, पीछे ले रहा है क्योंकि इसको ये है कि गाड़ी पर टच ना हो जाए। देख सकते हो कैसे निकाल रहा है भाई, बड़े बड़े ट्रक निकलना बहुत दिक्कत होते हैं गाइज, पर फाइनली आप देख सकते हो निकल गया भाई, ये भी निकल लिए। अब ये दोनों भी निकल जाएंगे भाई, रास्ता बन चुका है दोस्तों। अपने बना ले यार, अपने साथ लेके जाएगा क्या, रोक दे मेरी फैमिली पीछे है, रोक ले रोक ले रोक ले, बस अपने साथ ही लेके जा रहा भाई ट्रक वाला तो मुझे। फाइनली गाइज हमने वो जाम खुलवा दिया, आप देख सकते हो मैं, अरे सारे गाड़ी में भी बैठ गए, छत भी खुली थी, ये भी कर दिया इन्होंने अपन। चलो भाई इनको भी पता लेट हो रखे थे अपन टू। हाँ भाई कैसे खुला हुआ, पिताश्री बताओ। अरे कुछ नहीं, एक टो ट्रक था जिमी वहाँ पे ना, तो वो टो ट्रक एक्सीडेंट हो रखा था, मैंने कैसे ना यूज़ करके उसको स्टार्ट करके वो वाला गाड़ी को थोड़ा सा दबा दिया, मैं दिखाऊँ उधर को आगे, और फिर मैंने निकाल दी कैसे ना कैसे, फिर ये ट्रक निकला सबसे पहले। अब वो भी निकल गए होंगे मेरे ख्याल से तो। है वांडा देख रही है माइकू तेरा, सॉरी माइकल मेरा, माइकू तो है ही इसमें। अरे वो तो है ही हम। चलो लेट्स गो गाइस, फाइनली भाई अब जाके हमारी गाड़ी यहाँ से खिसकने वाली है भाई। देखो टाइम तो लग गया, वो भाई निकल लिया, वो दोनों ट्रक वाले भी निकल लिए गाइस, जो आपको पता ना सीमेंट वाले जो मिक्सर वाले ट्रक थे वो भी निकल लिए हैं। अब देख जिमी मैंने क्या करा, ये देख ये देख, ये गाड़ी को मैंने थोड़ा साइड में दबवा दिया और ये ट्रक भी थोड़ा कोने में दबवा दिया ताकि रास्ते खुल गए, सही करा ना मैंने। हाँ पिताश्री ये तो सही करा आपने। चलो चलो, तो यही दिक्कत देख रहे भाई कितना खुला कर दिया रोड मैंने। ओ ये अपना तो ऐसा ही है दोस्तों, ओ ये ना बल्ले सेरा चक दे पटे। आज अपना गोल क्या ये बता दे भाई, आज हमारी डेस्टिनेशन है वो सिटी जिसके बारे में रात में बताया। अरे तो खाना पीना, खाने पीने का इंतजाम पिताश्री वहाँ तगड़ा हो रखा, लेकिन हम नॉन स्टॉप जाएंगे थोड़ी, आप चला लेना गाड़ी थोड़ी, मैं नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप जो गाड़ी में थोड़ा बहुत सामान है उसी से गुजारा कर लेंगे, पर आज नॉन स्टॉप वहाँ पहुँचना। जैसा तू बोले, तो गाइज आपने सुनी लिया जिमी का प्लान, आज अपन को नॉन स्टॉप गाड़ी खींचनी है बहुत लंबी, और साथ ही साथ एक सिटी जो कि जिमी बोल रहा है हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ पे घूमने फिरने की बहुत चीजें। तो जिमी कह रहा रात को हम होटल में रुकेंगे। रे होटल कह भी सकते नहीं भी, अरे है इंतजाम यार, उसकी दिक्कत क्यों ले रहे हो, सेटलमेंट कर रखे थारा पुत्र ने पिताश्री। चलो भाई जिमी की जो भी जानकारी है, तो गाइज हम वहाँ रुकने वाले हैं ठीक है, अब उसका सीन देखते हैं भाई, और इस चक्कर में गाड़ी खींचनी पड़ेगी, आज हम कहीं रुकने नहीं वाले गाइज, और रात तक ही पहुंचेंगे क्योंकि हम लेट निकले हैं। चलो कोई नहीं, जो भी अब आपको चल जाएगा, कल फिर हम घूमेंगे भाई उस सिटी में, क्योंकि आपने देखा अभी तक तो सफर ही अपने इतने लंबे लंबे, अरे और अपन आराम से चलेंगे गाइज ठीक है, बिल्कुल आराम से। देखो भाई क्या ही माहौल है, क्या ही वेदर हो रखा है भाई साहब। अब देखो ऐसा नहीं पूरे रास्ते गाड़ी मैं खींचूंगा, पूरे रास्ते भाई आधे रास्ते मैं खींचूंगा, आधे रास्ते जिमी खींचेगा, क्योंकि ये सफ़र है लंबा। अब लेट्स सी गाइस क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और शाम तक वहाँ सिटी में हमें पहुँचना ही है ताकि कल हम घूम सके, इसलिए आज गाड़ी लंबी खींचेंगे। लेट्स सी जो भी होगा सो होगा, यहाँ पे तो एक ब्रिज है जिमी। गलत आ गए हम, गलत क्यों आ गया, ये वाला रोड पूरा नहीं बना, उल्टी ले लो। अच्छा खुला ही नहीं है, अरे यार देख सकते हो गाइस जिमी ने बोल दिया ये ब्रिज खुला ही नहीं है, सही कह रहा भाई ये तो बना ही नहीं है, कोई बंदा पूरी तरह भगा है ना इन रस्तों पे, तो गाइस वो तो गिर जाए भाई कसम से। सही में गाड़ी मोड़ लेता हूँ मैं, ओ बेटे देख रहे हो गाइस ये तो ब्रिज ही नहीं बना, और मैं गलती से यहाँ ले आया भाई, शुक्र करो जिमी ने मुझे बता दिया, नहीं तो हो जाती ऐसी तैसी। और देखो दोनों तरफ रास्ते ऐसे खुले कि तुम नीचे गिर जाओगे यार, यार बहुत ही गलत सीन है, वैसे धीरे धीरे चलाओगे तो ही ठीक है, क्योंकि साइड में ना कुछ ऐसे लगे हुए हैं बैरियर्स वगैरह कुछ, मतलब बैरियर कह रहा हूँ मतलब साइड में जो ग्रिल्स नहीं है, ग्रिल्स होती है ना गाइस, वो भी नहीं लगे पड़े हैं, तो गिर गए तो भाई गिर ही गए तुम। और आपने भी देखा एक बंदे के चक्कर में
हमें कितना रुकना पड़ा भाई, अब क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ कर भी तो नहीं सकते, जो होना था वो हो चुका है, टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। तो फटाफट सिटी में पहुँचते हैं जहाँ अपन को पहुँचना और वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। अरे जिमी ये क्या मौसम हो रहा है, अरे गाड़ी वॉश कर लेते हो ना, निकालनी की हो तो गाइस देखो हिमाचल प्रदेश में पानी पानी हो गया रोड पे, हो बेटे चलो कोई नहीं, निकल लिया अपन, अपन ने मनाली पिया, अपन अभी कहाँ है, मनाली साइड, मनाली साइड हम, यस बेटे जब ही रोड देखो ऐसा बीच में कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम भी चल रहे थे गाइस, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ रोडों का काम कुम हुआ था, हालात थोड़े पतले ही हैं आगे वैसे फिलहाल तो, पर चलो कोई नहीं गाइस क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते। वैसे देखो रोड का सफ़र कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप ये बताना गाइस, देख सकते हो भाई साहब जिमी कैसे है रोड यार, यहाँ के तो अलग से ही रोड है भाई, देखना पता हर रोडों पे कट ही कट, धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है आप देख सकते हो दोस्तों, पर नो डाउट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इंजॉय कर रही है पूरी फैमिली इस ट्रिप को, तो देखते हैं खींचते हैं गाड़ी जितनी खींच पाए हम अपनी। अरे भाई जिमी भाई देख रहे हो गाइस मनाली में ना बहुत ही भयंकर सीन हो रखे, रोड बंद है, कहीं पे पेड़ पूड़ गिरे हुए हैं, आपको पता ये पीछे अभी क्या सीन हुआ था, इस चक्कर में क्या करें फिर, चलो है एक रास्ता वहां से निकल, देखो भाई ओहो दूसरे रास्तों से निकलना पड़ेगा, क्या करें भाई यही दिक्कत हो रही है। तो फाइनली दोस्तों हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं, आधे रास्ते पिताश्री ने गाड़ी चलाई और आधे रास्ते मैंने, तो पिताश्री कैसा लगा ये रास्ता ये बताओ, नजारे तो एक नंबर है भाई, मैंने तो कही थी दोस्तों ये बहुत सुंदर जगह होगी इसलिए मैं यहाँ पे ले आया पिताश्री को, आप लोगों को मैंने पहले दिखा रखी है जगह, जिसने नहीं देखी पर आप हमारे साथ आप देख सकते हो, बहुत ही तगड़ी जगह है, पर एक दिक्कत ये होगी है वेदर फोरकास्ट वाले कह रहे हैं यहाँ भी मौसम खराब होने वाला है, फिलहाल इतना हुआ नहीं है, पिताश्री थक गए क्या, अब ठीक है थोड़ा सा पहले थक गया था और क्या, बात तो सही है भाई बहुत चला ली, और ये देख सकते हो भाई साहब क्या कैसा सीन हो रखा है सामने का, कैसे लाइट्स वगैरह जल रही है भाई, कितना प्यारा ब्रिज है ये देख सकते हो भाई, यहाँ का पूरे रास्ते हम कैसे ना कैसे निकले हैं भाई, और बीच से देख लो इस प्यारे ब्रिज के नजारे देख लो गाइस आप क्या हो रहे हैं क्या नहीं, और इतनी तेज बिजली कड़क रही है भाई, इतनी तेज बिजली कड़क क्यों रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और फिलहाल ना गाइस रात काफी ज्यादा हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपनी उस लोकेशन में जहाँ हमें रुकना है बिल्कुल, ओ भाई यहाँ ट्रैफिक भी है भाई देखना गाइस यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कड़ा है और यहाँ मौसम भी बहुत कड़ा हो रखा है फिलहाल, यहाँ पर स्नो वाला मौसम हो ना जाए, जिस हिसाब से वेदर फोरकास्ट वाले कह रहे हैं कि कल तो नहीं परसों तक हो सकता है, अब लेट्स सी, और हमारी डिफेंडर पहुंच चुकी है भाई इन इलाकों में, भाई साहब रास्ते देख रहे हो कितने प्यारे हैं, यहाँ रेड लाइट वगैरह नहीं होती गाइस पहाड़ों पे देख रहे हो, मतलब जिस साइड है मैं ना यहाँ रेड लाइट वगैरह है नहीं तो कहीं से भी बंदे घुस रहे हैं निकल रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी बैड बैड है, बाकी तो एरिया टू गुड है, अब रात काफी हो चुकी है और तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, लोकेशन में चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, फिर करेंगे असली कॉमेडी की कैसे नजारे हैं कैसे नहीं, लेट्स गो। ओ बेटे तो फाइनली दोस्तों डेस्टिनेशन में हम पहुंच चुके हैं, अब जहाँ पे हम आए ना इनके ओनर से मैं आपको सुबह मिलवाऊंगा, ठीक है वैसे तो आप मिले हुए हैं यार, देखते अगर वो होंगे तो यार मिलवा दूंगा, पर फाइनली आप एक चीज देखो भाई क्या ही नजारे हैं यहाँ के भाई, ओके ये भी खुल गया हमारी गाड़ी को अंदर खड़ी करने के लिए, चलो फिर डिफेंडर अंदर खड़ी करते हैं, ओ बेटे इस बार डिफेंडर थोड़ी सी चोरी है हमारी, आ जाओ हमारी फैमिली आजो आजो आजो, तो फाइनली गाइस फैमिली को लेके हम आ चुके हैं यहाँ पे, अरे रे फाइनली एंटर हो गए ना अंदर, अब थोड़ी मेरी तसल्ली हो रही है, और यहाँ पे टीवी टूवी भी चल रहा हुआ है, तो चलो एक बार अंदर बुला लूँ मैं सबको, तो फाइनली गाइस मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा दूँ, खाना पीना सबने खा लिया है, मैंने कहा यार उस चीज को क्या ही दिखाना क्योंकि सब लोग ऑलरेडी टू मच थक गए हैं गाइस, ठीक है ये है रूम जो कि मेरा है, यहाँ दो बंदों की जगह सोंगो तो मैं अकेला ही, जिग्गू को ले आता ना तो वो मेरे साथ सो लेता, और साथ ही साथ ये रहा यहाँ का शौचालय, ठीक है मैं पिताश्री और ट्रेसी का कमरा भी आप लोगों को अभी दिखा दूँ या सुबह दिखा दूँ, दिखाई देता हूँ अभी वो सोए नहीं होंगे ना गाइस, ठीक है लेट्स गो, मेरे कमरे के जस्ट सामने है गाइस पिताश्री का कमरा और माताश्री का कमरा, सोए नहीं कपड़े बदल रहा था कीटाणु तो घुस आया पागल कहीं के, अच्छा ठीक है कर लो तो भाई पिताश्री कपड़े चेंज कर रहे हैं, ठीक है अब यहाँ अच्छी तरह तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा और ट्रेसी का कमरा और दिखा दूँ गाइस, ठीक है अब यहाँ पे तो बहुत सी चीजें हैं वैसे तो यार, पर क्या ही बोलूँ, एक ये सीन है फिर यहाँ पे बेड नहीं है, तो मेरे को लगा ये ट्रेसी का कमरा दे देंगे पर नहीं भाई ये नहीं दिया, ट्रेसी का कमरा गाइस ये वाला है बहुत तगड़ा कमरा दे दिया भाई, इसे तो देखना ये देखना सेठ ने मस्त बड़ा सा टीवी लेके बैठी है, पर चलो भाई मैं अपने कमरे में चलता हूँ, पिताश्री तो गाइस आज टू मच टायर्ड है, तो मेरे को तो लग रहा है आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई मुझे ही करना पड़ेगा, तो चलो मिलता है कमेंट्स का रिप्लाई के साथ, तो दोस्तों आ चुके हैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, ओहो आ गया मैं बड़े टाइम बाद आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ दोस्तों, तो चलो ठीक है तो
सबसे पहले कमेंट हमारे सार्थक भैया जी का, भाई थार ले लो, आई लव उत्तराखंड भैया यार, अब पिताश्री दिला देंगे तो ले लेंगे यार सार्थक भाई। पर हाँ, हम पहले एक बार अपने घर तो पहुंचे, अभी तो ट्रिप में निकले हैं ना। थैंक कमेंट करने के लिए शिवमी भाई, बिग फैन, थैंक यू मेरे भाई। क्रेजी थार भैया आप अपनी फोटो लगाकर, यार वेबकैम में थोड़ा सा लोचा हो गया इसलिए पिताश्री ऐसे बना लेते हैं। सारस भाई बिग फैन ब्रदर, थैंक यू जितेंद्र भाई, जिमी को बाइक दिलाए। अरे यार मैं बोलूँ पिताश्री को मुझे बाइक दिला दे, ठीक है भाई। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जय श्री राम बोलो करो, जय श्री राम मेरे भाई। क्रेटा ले लो, आके देखते हैं यार। जिमी फेस रिवील, तो आप डेनिजन सिमुलेटर की वीडियो देखो मेरे चैनल पे, ठीक है ओके। रोबोटर गेमिंग भाई, सीधे सीधे गाड़ी चलाया करो यार, काफी लोग कहते हैं क्योंकि उनको अलग अलग एंगल से देखने, इसीलिए मेरे भाई। और लेविन भाई गुड वीडियो भाई, थैंक यू का भाई की वीडियो भाई, या तो गई हाई ब्रो प्लीज सडट टू यू मेरे भाई। रोशन भाई हेलो, पांडू भाई हेलो, जिमी का फेस रिवील हो चुका है। तनुज भाई आपको आपको चैलेंज देता हूँ, आप 24 घंटे गाड़ी में रुके GTA 5 तो चैलेंज करता हूँ, आपका नंबर एक करना पड़ेगा। अरे अरे ऐसा मत कहो यार, मैं रोज हूँ प्लीज भाई। जिमी को डिफेंडर चलाने तो यार पिताश्री नहीं दे रही थी उन्होंने, आपने देखा मैंने आज भी तो चलाई दे देते हैं भाई। आपकी आईडी नहीं पता मुझे इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भाई, मैं आपको बहुत कल से वीडियो आपको देखता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। स्विफ्ट एक्सीडेंट इन शिमला, स्विफ्ट तो हम लेके ही नहीं गए ओके। सिद्धू मूसे वाला अनफिनिश लेगेसी, ओए ए भाई मैं तो आपकी वीडियो देखने से पहले लाइक कर देता हूं। थैंक यू आस्था शर्मा, राम राम भाई, सॉरी अनिल क्या ले। हाय भाई बिग फैन, कभी राजस्थान की ट्रिप में जिमी के साथ। यार पहले पहाड़ों की ट्रिप तो खत्म करें हम, बाकी गेमिंग विद हासिफ भाई कह रहे हैं ओपी प्लेस वो फुल रियलिस्टिक बिग फैन ब्रो। थैंक यू माइकल, जिमी को पार्ट 6 में डिफेंडर चलाने दो, दे दी पिताश्री ने। जिमी भाई डिफेंडर का कलर चेंज कर दो यार, अब तो हम निकल गए ना ट्रिप के लिए। बहुत अभी वीडियो है, मनु फैन तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू बहुत मेरे भाई सार्थक भाई, हैं बिग फैन फ्रॉम सूरत, थैंक यू मेरे भाई। माइकल वेलकम, माफिया लोग स्विमिंग करते हैं माइकल, अगर न्यू एपिसोड यूट्यूब व्यू दैट यू भाई कमेंट घर को निकाल जो बस। अरे चाचा पहले तुम ट्रिप ट्रिप कर रहे थे, अब कह रहे हो घर चले जाओ ना, ना सबर तो टाइम तो लगेगा लिटल लिटल मेरे भाई जशन ओके। विजय भाई क्या ले, तो थैंक मेरा टॉप कमेंट करने के लिए, ओ ये नाइस वीडियो, हेलो 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 भाई, थैंक यू। माय नेम इज विजय भाई, भैया मैं आपको इतना सब्सक्राइब करूंगा बस। अरे दे 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 तन में भाई, थैंक यू कमेंट करने के लिए भाई ब्रो, आपकी वीडियो एक नंबर होती है, थैंक यू मेरे भाई। हेलो हेलो, राम राम भाई, राम राम, नाइस वीडियो, थैंक यू जिमी भैया जी। सैम कहां है, सैम हो गई अपने घर पे यार, मुझे क्या पता कितने है वो। उस भाई हेलो हेलो, अक्षु भाई कैसे हो आप, हम लोग आपके ट्रिप वाले वीडियो बहुत अच्छे लगे, फैमिली ट्रिप के बाद जिमी के फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जाना बिल्कुल जाएंगे। दिव्या एंडर्स भाई हेलो हेलो हेलो, सबको हेलो गाइस, थैंक यू कमेंट्स करने के लिए। थार का मैं आके बात करूँ, कार फॉर सेल की एक वीडियो आ चुकी है गाइस, जिसने नहीं देखी आप हमारे चेक कर सकते हो, हमने पोस्ट डाल रखी है दूसरे चैनल ओएक्टू पे। इस्लाम भाई क्या हाल है भाई, आप जिमी की बहन से बात क्यों नहीं करते यार, वो बात नहीं करते, वो थोड़ी नचकड़ी ही है आप कह सकते हो। इस्लाम भाई क्या हाल है ओके, अगली वीडियो का भाई आ तो गई मेरे दोस्तों। तो गाइस ये थे कुछ कमेंट्स हमारी पिछली वीडियो में, तो होप करता हूं आपको वीडियो में मजा आएगा, मजा अच्छा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जब तक के लिए बाय बाय, चला अगली वीडियो।